दारू पियोगे तुम सेड़ी हो जाओगे, गली में कुत्ते की तरह मुंह भागे सो जाओगे। शायरी है। आप बोल तो दिया कुछ ही बोल रहे हो। ये दिल बता तेरी रजा क्या है। वाह वाह बाबा किया करो यार। तरुण को लग रहा था सबसे पहले कि वो हग रहा है बैठ के। पर हेलो गाइस वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। आज प्रिंस गया अपनी जॉब पर, मैं भी यार आज अभी उठा हूँ। ये देखो तरुण भाई उठते ही फोन में लग गए हैं और रोहित अभी नीचे गया हुआ है, हितेश जॉब पे गया हुआ है। तो प्रिंस का भी आज फर्स्ट डे आया, तो प्रिंस ने भी अपनी ड्यूटी रिजॉइन कर ली है, वो भी अपनी आज जॉब पर गया है। देखते हैं कैसा रहेगा उसका फर्स्ट डे। सो फिलहाल तो यार अभी उठे ही है, मैं तो कभी से उठा हुआ था पर थोड़ी सी एडिटिंग बाकी थी वो कर रहा था मैं। ये बोल रहा है कि चल एक चैलेंज करते हैं और चैलेंज रहेगा हमारा 24 hours स्लीपिंग सोने का। आप मतलब 24 घंटे सोना है यार, ये तो सिंपल सा चैलेंज है। अगर चैलेंज भी है तो कोई खतरनाक सा होना चाहिए जिसमें मजा भी आए। सिंपल क्या है, कोई सो सकता है 24 घंटे भाई? सोना क्या मतलब लेटे रहना है बंदा? ऐसे नहीं है, वो वाला नहीं सो सकता। वो तो यार नेचुरली है, नहीं सो सकता। 10-12 घंटे सो लेगा, वही तो कर रहा है, उसी को तो चैलेंज है। वो नहीं कर सकते। हाँ लेटे रहेंगे, वो लेटे रहो, आंख बंद करे रहो 24 घंटे, आंख नहीं खोलनी। गाइस अगर आप भी हमें कोई चैलेंज देना चाहते हैं तो कोई भी कुछ भी चैलेंज दे सकते हैं, बट ऐसा हो कि फैमिली भी देख पाए। ठीक है, आप भी पट्टे बांध के रहना पागल है। ये क्या चैलेंज है और क्या? हाँ है तो बढ़िया चैलेंज है भाई, आंख पे पट्टी बांध के पूरा दिन। चलो देखते हैं, करेंगे कुछ ना कुछ चैलेंज, लेके आएंगे पक्का। क्यों तरुण? लेके आएंगे, बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए। सो बस देखते हैं, अभी तो उठे हैं यार, क्या करना है। सो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं यार बाहर घूमने, थोड़ा बाहर घूमने आए हैं। काफी टाइम हो गया था बाहर गए, मतलब उस वाले एरिया में जहाँ वो पार्क है ना, नेस्ले वाली पार्क में जहाँ प्रिंस की कंपनी है उस तरफ गए। तो अभी घूमने जा रहे हैं हम, मैं तरुण और पीछे है रोहित। रोहित भाई ठीक है तू? रोहित को जुकाम हो रहा है कब से कर रहा है। कोई अच्छी सी दवाई बताओ इसको या फिर देसी नुस्खा। देसी नुस्खा सो आप ये करिए रोहित जी, अदरक खिला दो। नहीं अदरक नहीं यार, कुछ गर्म चीज, सेवियाँ होती है ना जो रात को खाने से पहले, सोने से पहले खाने से पहले सोने से पहले सेवियाँ खा के सोए गर्म गर्म, तो जुकाम ठीक हो सकता है। फ्लैग अपना फ्लैग हमारी बिल्डिंग में भी लगा हुआ है। कहाँ? ऊपर। हाँ नहीं वो सही निकले, उनको पता कैसे निकलना है। ये खेल खेला है कभी जैसे बच्चे खेल रहे हैं? बॉल के साथ खेला है, बॉल के साथ। क्या बोलते हैं इसको अपा? गुच्ची डंडा। गुच्ची डंडा याद आया? वो अपनी वो भी होती है क्या, वो खड्डा खोद के। हाँ अपनी गुच्छी बनानी पड़ती है, मतलब गड्ढा बना के ऐसे गड्ढा खोद के उसमें अपने डंडे को रखना पड़ता है। बंदर किला हुआ वो, बंदर किला। अरे बंदर किला अलग होता है भाई। गुच्छी तो रखना। जब इन सबको देखते हैं तो एक बचपन की यादें ताजा हो जाती है। ये देखो यार इस बिल्डिंग का ना, ये पीछे का दरवाजा है और भाई साहब नेल काट रहे हैं पीछे खड़े हो गए, और घास देखो कितनी आई है। और ये भाई साहब बात कर रहे हैं। तरुण को लग रहा था सबसे पहले कि वो हग रहा है बैठ के, पर हग नहीं रहा है भाई, वो बात कर रहा है फोन पे। हमें लगा था कि झाड़ी में बैठे हो भाई, कुछ कर रहा है गड़बड़। तो आज बहुत दिनों के बाद भैया के पास आए हैं यार गोलगप्पे खाने, काफी टाइम हो गया था यार, एक महीना हो गया कम से कम। सो गाइज हम पूरा एरिया छोड़ के और भैया के पास आते हैं सिर्फ गोलगप्पे खाने। भैया एक नंबर के गोलगप्पे बनाते हैं, और ये छोटू भाई हैं, ये हमेशा भैया के साथ रहते हैं, हेल्प कराते हैं। और क्या हाल है, नाम क्या है आपका? सनी। सनी देओल। गोलगप्पे खा लिए, भैया हमें दिख गए थे रास्ते में खड़े हुए, दूर से दिख गए थे। भैया भी नहीं, कोई नहीं दिला देंगे तेरे को दवाई भी। तो लास्ट में पापड़ी मिलती है ना, एक नंबर, उसका वेट करते रहते हैं।
रोहित कूद के दिखाएगा, कूद रोहित, कूदो। मेरा तो गिर गया। ओ बच गया भाई, फोन बच गया तेरा। ले यार मैं कूद के दिखाता हूँ, छोटी सी तो कूद है यार, इतना कुछ खास भी नहीं है। अरे ऐसे नहीं। अब तू ना एक चीज गलत कर रहा है बाय चांस, अगर ये देखो भाई ये टूट गया। अरे यहाँ तो, थोड़ी ना पैर रखा मैंने, यहाँ रखा था, वीडियो में दिख रहा था बाबू। बाबू भैया दिख रहा था, ये देखो ट्रेड भी आ रही है यहाँ पे, तो ये गिर गया तो। इतने दिनों के बाद आज 1-1.5 महीने के बाद आए हैं आज हम इस वाली पार्क में, और पार्क भी कितना ग्रीन हो गया है, बारिश की वजह से, बारिश हो रही है ना तो उस वजह से, क्या उस टाइम पे तो येलो रखा था, हाँ तो धूप की वजह से तो अब तो येलो हो गया। वो देखो यार एयरपोर्ट भी पास में जा रहा है, दिल्ली के एयरपोर्ट से चली होगी ना। हाँ दिल्ली वाले एयरपोर्ट से, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पास में ही पड़ता है ना। हम तो यहाँ से दूर से देखते हैं हम। हाँ बुक्स में रखते हैं इसको, जो पेज होते हैं पेज के बीच में रखते हैं इनको। मोर का पंख रखना चाहिए क्या? मोर का पंख नहीं, हम ना मैं इसको रखता था भाई बीच बीच में, मतलब पता क्या बोलते थे हैं, विद्यार्थी थे उससे तेरे। अरे इतना पता नहीं था ना, बचपन में थे बस, वैसे रखते थे इसको, इसकी ना इतनी सी पत्ती सी तोड़ गए छोटी छोटी, और पेज के बीच में रखते थे, हर एक पेज के बीच में। और ये गिर जाती ना भाई, एक भी निकल के और दिख जाती तो उठा के इसको। यही करते थे। कुत्ते की आवाज आ रही है, कहाँ से आ रही है? अच्छा वो कल वाला कुत्ता है वो, चल उसके पास चलते हैं। पागल है क्या भाई, देख नहीं रहा कितना खतरनाक है वो। अरे उससे कुत्ते का नाम पूछेंगे, पागल है क्या तू? पता कितना खतरनाक कुत्ता है भाई, एक काट बिलियन है तू, बार्किंग डॉग स्केलेटन भाई, जो गरजते हैं ना वही सबसे ज्यादा परसते हैं, हिसाब लगा लिए। एक बार पकड़ भी ली ना तेरी टांग, टांग ही गायब। ये बंदा कर क्या रहा है भाई? अरे वही तो कह रहा हूँ, चल के देख। जा देख क्या, तू देख क्या, जा चल के। चल मेरे पीछे पीछे तो आ, फिर जा, जा। वो देखो, अच्छा वो भैंस को निकाल रहा है, चला छोड़ ना, बैठ जा फिर सही से, जो पोज देना तेरे को मैं क्लिक कर रहा हूँ, कर दू कर दू गे, सही बैठ, ये मुंह तो ठीक कर ले। ये है नेस्ले कंपनी, इसमें नेस्ले के प्रोडक्ट बनते हैं, ये देखो ये इसका, इसकी एक बिल्डिंग है, ज़्यादातर इसका काम वर्क फ्रॉम होम ही रहता है, और एक ये वाली बिल्डिंग है इसकी, और ये इसका मेन गेट है, और ये रोहित तो तरुण फोटो क्लिक कर रहे हैं यहाँ पे। बादल देखो यार कितने मस्त लग रहे हैं, वाह। सो गाइज अभी हम चलते हुए जा रहे थे यार, और हमें ये दिखा, इसको गोबर का भूंड बोलते हैं, ये देखो गोबर को इकट्ठा करता रहता है, पूरी जिंदगी अपने गोबर इकट्ठा करने में निकाल देता है ये बंदा, ये अपने से बहुत ज़्यादा गुना वेट उठाता है, सो इसको गोबर का भूंड बोलते हैं, और ये पूरी लाइफ इसी में बिता देता है अपनी। इसमें क्लैपिंग क्या है भाई, जब तू इस योनि में जाएगा ना तू भी यही करेगा, और मैंने भी यही किया था। अच्छा मैं क्या उसका मजाक उड़ा रहा है। रोहित की तबीयत ख़राब है ना, तो वो दवाई ले रहा है यहाँ से देव मेडिकल जुखाम की, ये दवाई लिए दिखाई है सिट्राजिन। कल भी हम यहाँ से जलेबी खा के गए थे यार, भाई की जलेबी पसंद आ गई यार, भाई आपकी जलेबी है यार मस्त है यार, टेस्ट मस्त है आपकी जलेबी होगा क्या, खाएँगे यहीं खाएँगे भाई। अबे शांति कर ले, शांति कर ले, तेरे ही पेट में जानी। मतलब गली में चलते चलते भी खा रहा है, ये नहीं कि चल चल सब्जी लेनी है, सब्जी मंडी पहुंच गया। ये दस का भरो, सस्ता भरो, बढ़िया भरो, ताजा भरो, याया ब्रो, याया ब्रो, याया ब्रो, क्या हाल है ब्रो? ये तो ज्यादा है। ये ले भाई दिखाते हैं भाई को वीडियो, भाई बोल रहे हैं कि मेरी वीडियो दिखाई यार,
ये करो सर्च आर ओ डबल बी वाई और ऊपर आ गया ये देखो। सब्सक्राइब तो किया बट यार बेल आइकन तुमने म्यूट की हुई है, इसको ऑन करना पड़ेगा। हमने ये ले लिया यार गैस का, क्या बोलते हैं इसको, लाइटर। तो देखते हैं इससे अगर वो खराब था तो इससे ठीक हो जाती है गैस। बाकी मेरे को लग रहा था वही खराब था लाइटर, अगर वही खराब, अगर इससे भी नहीं स्टार्ट हुई तो फिर क्या खराब है। गैस भी खराब है थोड़ी लग रही थी गैस ज्यादा। गाइस आज हम बना रहे हैं बंद गोभी की सब्जी, और सब्जी बनाएगा कौन, रोबिन भाया। रोबिन बहुत अच्छी सब्जी बनाता है, इसलिए हमने ये काम रोबिन को सौंप रखा है। थैंक यू। इतना प्यार करने के लिए आपका अति कृपया, आपकी धन्यवाद आपको। और ये देखो ये आते हैं, इसने क्या कर रहा भाई तू, फेस वॉश किया इसने फेस। और नहीं नहीं ये और ये क्या है, ये मेरा बचपन का प्यार। वो कहते हैं ना, वो तकिया कलाम होता है किसी का, कुछ भी बोलता है तो बार बार पीट, वही इसका काम है बार बार। मैं बना रहा हूँ सब्जी, आज बना रहे हैं हम बंद गोभी, और रोहित और तरुण बनाएंगे आज रोटियां, ठीक है। और गैस चला के देखते हैं, चलो चलो। यार तुम लोगों ने गैस नहीं साफ किया यार अभी तक। या यस भाई, गैस में दिक्कत नहीं है, लाइटर में दिक्कत है। या ओके ओके बंद कर। हमारे प्रिंस भाई भी आ चुके हैं, आज प्रिंस का फर्स्ट डे था। प्रिंस कैसा गया यार पहला दिन आज आपका? थक गया यार आज। थक गया, कमर दर्द कर रही है। चल कोई नहीं यार, तू रेस्ट कर आराम से, ठीक है। तेरे लिए कुछ खाने का मंगवा रहे हैं, ये ले भाई ताऊ की दुकान से, ये ले पैसे मेरे से ले जा। भाई दियो बाद में ले लियो, ताऊ को बोल देना मेरा वहाँ पे खाता वही चलता है। अच्छा मेरे निकाल ले तूने मेरे बैग से, ठीक है ले जा। और भाई के लिए एक पनीर ले गया और कुछ खाने के लिए। पनीर कहाँ से मिलेगा, नीचे ताऊ की दुकान से ही मिल जाएगा ताऊ से। हाँ ये ले, ये देखो भाई रोहित कर रहा है अपना आटा गूंद रहा हूँ, गूंद रहा है। और मैं ले आया हूँ प्रिंस के लिए पनीर, दूध और केले। आप क्या कर रहे हैं सर? सब्जी काट रहा हूँ, दिख नहीं रहा क्या है? इसको काट के दो आप, इसमें केले हैं, पनीर है और दूध गर्म करके दीजिए उसे, उसकी सेहत का ख्याल रखिए। ये पनीर मैंने खाना है क्या? पागल हो गया है तुम तो? ये मैं स्पेशल भाई के लिए लाया हूँ, अमूल मलाई पनीर फ्रेश। बाकी यहाँ पे बहुत महंगा देते हैं ये। कितने रुपए का मिला है? 77 का प्रिंट प्राइस पे। यस बेबी बेबी नहीं हुआ तेरी। तो हमारे शायर भाई साहब आ चुके हैं और शायरी बोल रहे हैं कि सब सुनाएंगे शायरी। तो प्रिंस पकड़ रहे हैं कैमरा, प्रिंस को दे रहे हैं कैमरा, ठीक है। तो कोई रैंडम वर्ड देंगे हम आपको, आपको शायरी बनानी। अरे रुक जाओ, नहीं वो वीडियो थोड़ी ना बढ़ रही है, वो हम ऐसे ऐसे मेमोरी रखते हैं अपने पास, वीडियो नहीं है वो, ऐसे मेमोरी रखते हैं अपने पास। चल ठीक है छोड़ उसको, तो कोई वर्ड दे रहे हैं आपको, ठीक है। आप हमें देना, मैं इसको दूंगा तो मुझे देना, आप मेरे को दो। तू बना इश्क पे कोई शायरी जल्दी, इतना वेट नहीं, हम बढ़ा देंगे इतनी देर में तो। ना टिक टिक वन, टिक टिक टू, टिक टिक थ्री, टिक टिक फोर, टिक टिक टेन, खत्म। रुक जा, कोई वर्ड नो नो नो, इसको दो ये पहले चलो, ये सोच मार के जो ब्लॉगर होते हैं उनको लास्ट में आना चाहिए, क्यों राइट ना। सो इसको दो, कोई वर्ड दो जल्दी। क्या यही इस नहीं इस नहीं, नहीं चेंज करके इतनी देर में तो वो बड़ा बना लेगा, आप हार जाओगे। जल्दी दो, मोहब्बत मोहब्बत गाना नहीं। कौन सा हो दिल का सुकून है इंतजार, शायरी बना मोहब्बत पे जल्दी। ऐसा क्या भाई, मैंने 6-7 लिख रखे हैं और काफी समय में दूसरी दो मैंने लिख रखे हैं, लाके दिखाऊं? लिखी हुई नहीं याद है। अरे हम साथ की साथ बनाएंगे, इस पे मोहब्बत पे बनानी है ना, एक घंटे हो गए जिन देर में तो बना दे यार। देखिए इसके लिए फीलिंग चाहिए। अरे तू आवेगी चलती बनेगी, हम दिल से डब्बे को ना मारी हाथ के लिए रहा प्यार से खून खराब है को ना। मोहब्बत तो इसमें कोई वर्ड नहीं है यार, मोहब्बत में तो है। अरे यार यू ये बाकी तरह तो ऊपर है पॉइंट में। दारू दारू पियोगे तुम सेड़ी हो जाओगे, गली में कुत्ते की तरह मुंह बाके सो जाओगे। शायरी है। थैंक यू सो मच। बोल तो दिया कुछ भी बोल रहे हो, ये तो सर शायरी है, साथ ही साथ बनाने कुछ भी तू बना भाई।
तू बना भाई ऐसा नहीं करना कि अब मैंने और देखिए ये मजे वाली बात तू शायर है यार तो शायर आता सो भाई ये तो होता है शायर कहीं भी हो जाता है एक मिनट में सब्जी देख लेता हूँ यार नहीं वो लेके आओ तब तक मैं तेरे को देता हूँ मेरे सामने मास्क आजकल मास्क बहुत चल रहे हैं मास्क के ऊपर कोई शायरी हो जाएगी जल्दी कुछ भी एक्स वाई जेड जैसे हमने मास्क पहनना अनिवार्य है कामयाब नहीं है बंदा यार ये बंदा कामयाब नहीं है आप मुझे दीजिए कोई वर्ड तौलिया है बदन का एक वर्ड याद नहीं आ रहा समझ लीजिए आप तौलिया है बदन का एक डैश और जिसमें बस्ती है सब लोगों की गैस चल मैं सब्जी बना लेता हूँ यार अभी हमारे शायर भाई आ रहे हैं अपनी डायरी लेकर के एक दो शायरी मैं पूछूंगा एक सेंटेंस बताऊंगा मैं ठीक है उसके अंदर मैं डैश छोड़ दूंगा ठीक है चार पांच सेंटेंस है वो डैश मतलब एक ही डैश आएगा उसके अंदर ठीक है एक ही वर्ड है सब डैशों में एक लड़का था उसको डैश 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 करने की आदत थी डैश 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 तीन बार डैश अरे के एक घंटे आदमी है यू कुछ भी ले ले हां मतलब डैश करने की आदत थी तीन बार ही ठीक है फिर वो डैश कार में बैठ के चले गया डैश कार में डैश कार अच्छा नदी में बैठ के नदी में ठीक है और उसका कीबोर्ड में नंबर भी डैश था फेवरेट ठीक है तो अब डैश में क्या आएगा ये मैंने ना सोशल मीडिया पे सुनी ये जो हमारे वो है ना आरजे नावेद अरे बोल दे ना बता दे ना याद था यार याद था यार एक लड़का था उसको टट्टी करने की आदत टट्टी में बैठ के चला गया ये शायर भाई आया हमारे कोई शायरी सुनाएंगे ए दिल बता अच्छा ए दिल बता तेरी रजा किया है किया है क्या है रजा किया लिख रहा देखो देखो मेरी गलती नहीं है भाई साहब क्या है एक्चुअली आप इस हिंदी को आप ही पढ़ सकते हैं तो आप ही सुनाइए प्लीज चलो और कोई ट्राई करते हैं हम दो तीन है इसमें तीन कहाँ है इसमें तो बहुत है यार हम उनकी लकीरों में तो ये ए दिल बता तेरी रजा क्या है वाह 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 किया करो यार वफा तो नहीं वजह है ठीक है वजह लगा लीजिए वजह तो नहीं वजह वो नहीं सुना यार देखो एक क्वेश्चन है छोटा सा ठीक है कुछ नहीं है और कुछ नहीं है ऐ दिल बता तेरी वजह क्या है ठीक है वजह वो नहीं है तो वजह क्या है तेरे चेहरे पर उदासियों खत्म है अगर तो बता इस खता की सजा वाह 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 क्या बात सजा तो यार फांसी की मिलेगी फिर रात भर एक चेहरा खटकता रहा निगाहों में रात भर एक चेहरा खटकता रहा निगाहों में आगे क्या है मैं दर बदर भटकता रहा क्यों इच्छा कभी क्यों इधर कभी उधर बस भटकता रहा राहों में सुबह मिली थी वो मुझे आँखों में नींद लेकर शायद रात भर जागी थी वो रकीब की बाहों में रकीब गुणाई ये मतलब इसका मतलब लिख रही थी मेरा नहीं उसने इसको सेंड की थी पहले हम उसकी लकीरों पता नहीं यार बहुत सारी लिखी है सर लास्ट वाले सुनाता हूँ आप लोगों को जिससे डरता रहा मैं उन राहों में मिली क्या है यार ये मैं अच्छा जिससे डरता रहा मंजिल उन राहों में मिली हकीकत उसकी मुझे अपनी निगाहों में मिली यस जिसकी गोद में और सब्जी देखिए यार एक बार जिसकी गोद में सर रखकर मैं सोया था उस रात कौन सी रात भाई आंख खुली तो देखा वो सुबह किसी गैर की बाहों में है हम निपटते यार सो ठीक है यार हम अपनी सब्जी बना लेते हैं हमारी सब्जी तैयार है कट के सब कुछ तैयार है तो सब्जी बनाते हैं हम ठीक है आपकी शायरी अच्छी है भाई ठीक है कोई बढ़िया सी आ जाए आएगे पक्का 10 तारीख के बाद ठीक है ओके एल्बम आएगी पूरी इसके ऊपर बैठ जा गिर के जाएगा तू Oh,
सो यार गाइज, अभी मैं खाना खा रहा था तो बारिश आई, तो मैं बारिश का आनंद नहीं उठा पाया। तो अभी आया हूँ तो अभी सड़क ये पानी पानी हो रहा है यहाँ पे, तो ये कपिल मुनि हमारे खेलते हुए। हमने पता भी क्या किया, क्या यहाँ से कागज की बोट बना के ऊपर से फेंक दी। और इसको क्या हो रहा है, क्या कर देश का, रो रहा है अकेले बैठे हुए, रो क्यों रहा है भाई, क्या दिक्कत है, बेकार है आंसू। वो क्यों खोल रखा है ऊपर, बंद कर लो उसको। रोहित तो भाई अपना तैयार होके बैठे हैं, पुलिस वाले जूते पहन रखे हैं इसने, देख दिखाई बोल तेरे सूट दिखाइयो, बढ़िया है यार, किसी को ठोक भी दिया नहीं यहाँ से, पूरा हार्ड है देख यहाँ से। तो हितेश भाई अपना फोन पे बातें कर रहे हैं, क्या हो रहा है ये क्या चल रहा है ये। सो गाइज, ये लोग अभी जा रहे हैं ऑफिस नाइट ड्यूटी पे, आज तुम्हारा लास्ट डे है ना, इनका ऑफ चेंज हो गया, पहले इनका ऑफ होता था, कब होता था तुम्हारा ऑफ, ट्यूजडे होता था, और अब सैटरडे ट्यूजडे होता था, बट अब सैटरडे हो गया ना। मिल गया भाई टी शर्ट, तेरी गिल्ली है भाई, ये थोड़ी थोड़ी लग रही है, क्या होगा, अरे ना तो गर्मी है ना, बॉडी बहुत खतरनाक है यार तेरी, दिखाई एक पोज मार के दिखा, कोई भी बैक दिखा रहा है क्या ऐसे करके, ऐसे यार दिखाने की जरूरत नहीं, ऐसे करने की डोड़ा दिखाई दे रहा है, डोड़ा देख यार तेरा, वाह यार तरुण यार जिम स्टार्ट कर रहा है अभी, तरुण भाई हमारे जिम स्टार्ट कर रहे हैं, और मेरे को ट्रेनर रखेंगे ये, ऐसा कुछ नहीं है भाई, ये तो ऐसे ही बोल रहे हैं, जिम स्टार्ट नहीं कर रहा, किसने कहा, अभी देख लेना, आप ही देख लेना यार गाइस, ठीक है, कोई ना कोई तो बंदा जिम स्टार्ट करेगा ही, कोई ना कोई तो वो तो ही करेगा, नहीं मैं नहीं करता, मैं सोचूंगा, मैंने अभी सोचा नहीं है, ये कर रहा है बाकी, ठीक है, और बस यार मैं अब दूसरे रूम में जा रहा हूँ, हितेश भाई कॉल पे बात, अब चलना आप दूसरे रूम में चले, हाँ चलो चल रहे हैं दूसरे, चल ठीक है यार, हम दूसरे रूम में जा रहे हैं, ये लोग जा रहे हैं अपना ऑफिस, मैं हितेश भाई प्रिंस बाबू हमारे वहीं पे हैं, तो अभी हम वहाँ पे जाएंगे और मैं एडिटिंग करूंगा, तो मैं इस व्लॉग को करता हूँ यहीं पे एंड। सो आई होप आपको व्लॉग पसंद आ रहे होंगे, तो लाइक जरूर कीजिए गाइस, थोड़ा हौसला बढ़ाइए हमारा लाइक करके, ठीक है, तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर, कोई नहीं करता तेरे को देख रहा हूँ मैं, तो तब तक के लिए बाय बाय, और नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे बाय, ऐसे नहीं ऐसे।